ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आप सबके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ डिस्कस करते हैं और उनके जो सुझाव हैं, उनके जो आंसर्स हैं, वो हम सभी उससे लाभान्वित होते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम यहाँ इस फोरम में ले सकते हैं। पिछली बार हमने जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, कुछ समय पहले हमने उसको भी डिस्कस किया था कि कैसे हम मनसा सेवा करें, उसकी विधि आपने हमें एक प्रोग्राम में बताई थी, लास्ट टू लास्ट प्रोग्राम में। एक और बात जो वर्तमान समय आ रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो एक तो होता है कि हमारे साथ वो घटना हो, जैसे हम देख रहे हैं जो पैंडेमिक है, और हर एक एवरी सेकंड पर्सन प्रभावित है, या कोई ना कोई जानने वाला, फ्रेंड, रिलेटिव, कुलीग, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और जब भी व्यक्ति फ़ोन उठाता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी इमरजेंसी या ऐसी नेगेटिव न्यूज़, या हमारे ही कोई पर्सनल कनेक्शन का व्यक्ति शरीर छोड़ दिया होता है उसने, या किसी प्रॉब्लम में है। तो या तो हम बंद कर दें, बंद करेंगे तो पता भी होना चाहिए। तो कैसे हम अप्रभावित रहें? और अगर हम सख्त हो जाते हैं, जैसे होता है कि हम सख्त हो जाएं, तो फिर किस प्रकार से वो जो हमारे अंदर करुणा भी रहे कि हम उनकी सेवा भी करें, तो इसका ये बैलेंस कैसे बने कि अप्रभावित रहे नेगेटिविटी से, अपडेटेड भी रहें, सेवा भी करें, लेकिन उसके नेगेटिव प्रभाव में ना आए। मैं ये बात मानती हूँ कि घर गृहस्थ में रहने वालों को नेचुरल है ये सारा देखना भी पड़ता है। हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, निर्दयी नहीं बनाना है। एक होता है निर्दयी, एक होता है शक्तिशाली। आप देखिए, माँ जब बच्चे को बाहर भेजती है, ऐसा नहीं कि माँ की ममता नहीं है, करुणा नहीं है। बच्चा वहाँ खा पी नहीं रहा है, लेकिन माँ को पता है कि वहाँ उसका जाना, विदेश में पढ़ना, उसके लिए ये सब त्याग कर रहा है। तो कोई बात नहीं, वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो वो निर्दयी नहीं है, करुणामयी है, डिटैच्ड भी है, बच्चे को सिखाने की प्रवृत्ति उसके अंदर। इस केस में जो कि आजकल का चल रहा है समय, समाचार मिलते हैं, एक काम तो हम ये करें, जो समाचार मिलते हैं उनको अपने तक सीमित रखें, या किसी बहुत नज़दीक का कोई उसको शेयर कर ले। लेकिन उसकी चर्चा बैठ के करना, अधिक चर्चा करना, जितनी चर्चा हम करेंगे उतने कमज़ोर हम बनेंगे। एक तो उसकी हम ज्यादा चर्चा ना करें, दूसरी बात है कि अब जो आत्मा चली गई आ नहीं सकते, हम कितना रोएं धोएं कुछ भी करें आ नहीं सकते, तो हमको वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वीकार करने के लिए बेसिक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल जो लॉ है वो हमें समझना पड़ेगा। क्या है वो? ये शरीर जो है वो विनाशी है और आत्मा जो है वो अविनाशी है। वो एक एक्टर है, एक्टर ने अपना एक पार्ट पूरा किया, अभी दूसरा ड्रेस पहन करके दूसरा पार्ट प्ले कर रहा है। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। वो आत्मा आगे यात्रा में गई है, गई है तो हम उसे गुड विशेस दें। जहां भी वो गई है हमें नहीं पता, जहां भी गई है, लेकिन वो खुश रहे।
उस आत्मा के प्रति भी हम रो रो करके उसको दुख होगा, क्योंकि आत्मा शरीर से जब न्यारी होती है तो शरीर के बंधन से फ्री हो जाती है, तो वो वाइब्रेशंस भी कैच करती है, तो हमारे रोने धोने के वाइब्रेशन उसको जाएंगे जिससे वो दुखी होगी। हम चाहते हैं कि वो दुखी हो। उसके जो जीवन की अच्छी अच्छी बातें रही वो हम वर्णन करें, इससे उस आत्मा को संतोष होगा। और चौथी बात, हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन परमात्मा की याद में बैठ करके हम उसको सकाश तो दे सकते हैं। शिव बाबा बीज रूप की याद में बैठे और बीज से उस तक अपने आप जल बाबा भेजेगा, और हम निर्दयी ना हो, आपने ये बात कही, हम ये नहीं कहें संवेदना नहीं होनी चाहिए, इमोशंस नहीं होने चाहिए, हम ये नहीं कहते, तो आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो ये बैलेंस कैसे आए कि बहुत ज़्यादा भी हम उसमें ना बहें और स्ट्रॉन्ग भी रहें? अपने आप को जो हम लोग मुख से वर्णन करते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम निमित्त हैं, हम एक एक्टर हैं वर्ल्ड ड्रामा पर, ये सब कुछ जो है टेम्पररी है, ये कुछ बोलते हैं ना हम लोग बोलते हैं, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में यूज करें। शक्ति देखिए, एक होता है खजाना रखा है, नॉलेज, लेकिन जब तक उस नॉलेज को आपने प्रैक्टिकल में नहीं लाया तब तक वो शक्ति का रूप नहीं ले सकते। आपको पता है शराब पीने से नुकसान है, नॉलेज, और आप शराब लेते रहेंगे तो शक्ति आएगी। ऐसे ही उस जो भी हमारे साथी सहयोगी हैं, जो भी प्रियजन, आखिर मिले तो हमको इसी जगत में है ना, हम अपने साथ तो किसी को लाए नहीं थे, इसी जगत में मिले हैं, तो उनका अभी गंतव्य आया, उनका स्टेशन आया, वो उतरे हैं अपनी यात्रा में, तो बैलेंस, इन चीज़ों को हम बुद्धि में रखें। क्या है सच्चाई की बात, यह है हम लोग इन बातों की ओर गौर करते ही नहीं है, किन बातों की ओर जो हम सुना है? सच्चाइयों की ओर, जो इन आंखों से दिखता है उसको हम मान, यही कुछ है, लेकिन उसके पीछे कुछ और है जो हम जानते हैं लेकिन हम उस पर कभी भी गौर नहीं करते, कभी हम उसको लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। तो हमें लाइफ में अप्लाई करना है इन प्रिंसिपल्स को। अनासक्त व्यवहार करिए, अनासक्त वृत्ति रखिए, निमित्त भाव रखिए, शुभ भावना रखिए, डिटैच्ड आउटलुक हो, ऑब्जर्वर के आउटलुक हो, और ये कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, ये भाव। दीदी, एक और जो चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि ये अभी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछते हैं कि जब घर में सभी लोग अफेक्टेड हैं, स्पेशली जो अभी कोविड का सीज़न चल रहा है, सभी अफेक्टेड हैं और उसमें से कोई ज्ञानी भी है वो भी अफेक्टेड है, लेकिन जब सांस ही नहीं आ रही है ऑक्सीजन है, तो बड़ी वाइटल चीज़ हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में ऑफ कोर्स हम हाथ पैर भी नहीं छोड़ भी नहीं सकते, आप सारे एफर्ट्स करेंगे, तो जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं तो आपकी बुद्धि चल रही होती है, आप फोन्स करेंगे, आप चीज़ सब ढूंढ रहे हैं, सारे रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हलचल होती है, क्योंकि अगर हम हाथ पैर डाल दें तो बाबा को सिर्फ याद करें तो आराम से बैठे हैं, लेकिन इसमें तो एक्टिव होके हलचल में आना है और वो केओस के अंदर जाना है, तो ऐसे में फिर कौन सा कोई आप एक विशेष थॉट या क्या पुरुषार्थ बताएं कि क्या चीज़ इजी बना दे कि हम उसको
वो व्यक्ति क्रॉस भी कर पाए एंड वो हाथ पैर भी नहीं डाल सकता उसको, तो ये सब जंजाल में जाकर ही ऑक्सीजन यू नो या प्लाज्मा लेके हाथ आना, में थोड़ी मिल जाएगी, तो फिर वो बुद्धि भी और भागेगा क्रॉस में जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है, वो करना है। तो यही तो इसके लिए जो बाबा की जो याद है जो हमारी ये सारी बातें भूल जाती है स्लिप होने का जो आप बता रहे हैं, क्यों भूलेगा बाबा, तो वो कैसे कौन सा कोई पॉइंट नहीं भूलेगा, ये बाबा का कार्य में कर्तव्य संपन्न कर रहे हो, कर्तव्य है मेरा। अब अगर मेरी माँ को ऑक्सीजन चाहिए नहीं मिल रही है, भागदौड़ तो करूँगी ना, कुछ भी करूँगी, कैसे भी करके ऑर्गेनाइज करूँगी। वही चीज़ दूसरों पर भी अप्लाई हो रही है, तो हम ये सब काम करेंगे ये समझ के कि मैं ट्रस्टी हो करके ये सब कार्य कर रहे हूँ, प्यारे बाबा के बच्चों के लिए कर रहे हूँ, और मैं निमित्त हूँ। अगर बाबा साकार रूप में होता तो बाबा करता, इस समय मैं निमित्त हूँ तो मुझे करना है। तो ऐसा नहीं बाबा याद नहीं रहता, अंदर बाबा को ही याद करते हैं, तो हमें जिससे आपको वो व्यक्ति मिल जाता है जहाँ से आपको राइट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो जो भी घर पे है जो भी, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम अपने को निमित्त समझें, चाहे वो हमारा लौकिक घर भी हो और साथ में वो बाबा का बच्चा है, तो बाबा को अवश्य बीच में लाए, नहीं तो मोह की तार से वो हमको सोल्यूशन भी ठीक से नहीं मिलेगा। तो अपने को ट्रस्टी समझ के, हमारा अनुभव ये है, अगर आप सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं, शुभ भावना से कर रहे हैं, बाबा का कार्य समझ करके कर रहे हैं, तो बाबा अपना काम कभी फेल होने देगा क्या? बाबा आपको टच करेगा, बताएगा। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें शिव बाबा की याद नहीं, नहीं, शिव बाबा की याद हमारी योग युक्त कर्म है। तो ये बात हमें आपने बताई जो हमें ध्यान पे रखनी, चाहे कोई घर पे भी, क्योंकि आजकल हम सुन रहे हैं कि हर एक के घर पर कोई ना कोई सबके साथ ये इफेक्ट आया हुआ है, तो इसमें हम बाबा की याद ना भूलें और अपने को ट्रस्टी समझ के, निमित्त समझ के वो सेवा को करें, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेवारी है। अगर बाबा, जो आपने बहुत सुंदर बात बताई, अगर साकार में बाबा होते तो वो भी साकार कर्म करते, भागते या भागते नहीं, मतलब अरेंजमेंट की जो कराते कराते, तो हमें भी वैसे करना है, लेकिन अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर करके निमित्त भाव से, और बाबा के बच्चे के लिए कर रहे हो तो बाबा जिम्मेवार है और हमारे को वो सही टचिंग होगी और सॉल्यूशंस भी प्राप्त होंगे। तो यही आशा करते हैं कि हम इसको करेंगे। कुछ और हम प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न आया था कि वृत्ति, आदत, संस्कार और मन के संकल्पों का डिफरेंस या उसका और स्पष्टीकरण। देखिए, जो वृत्ति है वो आपके जैसे संस्कारों का कोई बीज होता है ना, वृत्ति वो है। संकल्पों का रेपिटेशन, एक ही प्रकार के संकल्पों का रेपिटेशन, वो वृत्ति है। और संस्कार तो जो हम कर्म करते हैं उसके जो इफेक्ट होता है, इम्प्रेशंस पड़ते हैं, वो संस्कार है। जैसे हम कहते हैं इसकी मनोवृत्ति ये है, शी इज नॉट ए गुड पर्सन, उसकी मनोवृत्ति में ये बसता, उसी ने किया होगा, आप आइडेंटिफाई कर दें। और संस्कार है आपके कर्मों का। फिर आपने कहा संकल्प, संकल्प तो थॉट्स है, और संकल्प आदत, संकल्प हम उसको भी कहते हैं जब आप कोई दृढ़ संकल्प करते हैं, तो भी हम कहते हैं मैंने ये संकल्प किया है, डिटर्मिंड थॉट। और जो आदत है, दे आर हैबिट्स। सो हैबिट और संस्कार, हैबिट इज फिजिकल। मुझे 4 बजे भोजन करने की आदत है, हैबिट। संस्कार आत्मा से संबंधित है, लेकिन वो भी तो संस्कार के रूप, कर्मों के रिकॉर्ड वहीं तो रिकॉर्ड हुआ ना, संस्कार में ही तो रिकॉर्ड हुआ। हैबिट फिजिकल है, जो हमारी ये हैं, ये हैबिट्स
किसी की हैबिट होती है हर बात के बाद थैंक यू बोलना, किसी की हैबिट कुछ और होती है धन्यवाद बोलना, किसी की हैबिट कुछ और होती है। तो हैबिट, किसी की हैबिट होती है कोई भी आए तो हैबिट्स, तो हैबिट्स ही हैं। हैबिट्स फिजिकल हैं, ऊपरी संस्कार डीप संस्कार और गहरी चीज़ है। और जैसे आपने कहा हैबिट हमारे जो जो हम बार बार जो कर रहे हैं, आप हैबिट्स को आसानी से चेंज कर सकते हैं। ऑल दो इट इज सेड हैबिट डाई हार्ड, आप हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। संस्कारों को आपको परिवर्तन करने में मेहनत लगती है। संस्कारों का फिर आप एग्जांपल दीजिए। आपकी मनोवृत्ति में बसता है कि मुझे शिव बाबा से एक क्लास लेना है, तो आप अपनी संस्कार कौन से बनाएंगे? देवी रेगुलर क्लास करने के, बाबा से अमृत वेला करने के, ये सब आप करेंगे। और देवी संस्कार जो आपने कहा वो बनाएंगे हमेशा जो देवताओं के संस्कार में, देवी पढ़ाई पढ़ रहे तो मेरे देवताओं के संस्कार चाहिए। देवताओं के संस्कार क्या हैं? खुश रहना, ज़्यादा सोचना नहीं, सबके प्रति शुभ भावना रखना, सबकी उसको रिस्पेक्ट देना, ये इसका संस्कार है। इस आत्मा का संस्कार है वो सबको रिस्पेक्ट दे। और हैबिट है ऊपरी ऊपरी है। फिर जैसे एक क्वेश्चन हमने ऐसे लिया हुआ है पहले, लेकिन फिर भी आते हैं कि जो बाबा की जो दिनचर्या है और जो सुबह का जो योग है, तो जब कोई वर्क कर रहा है और बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो उसमें वो अगर मुरली के बाद नहीं सोते हैं, मतलब उनको लगता है कि मुरली के बाद अगर मैं रेस्ट कर लूँ तो ठीक है, वरना वो सुबह से उठकर योग और मुरली फिर काम, तो वो कहते हैं आई गो अ लिटिल क्रेजी इन द हेड, यानी इतना सारी चीज़ें हो जाती हैं तो जब हम काम करने बैठते हैं तो बुद्धि नहीं लगती, तो थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। कोई हर्जा नहीं, देखिए इन बातों में कोई फर्क नहीं। अगर आपको अमृत वेले के बाद दिल करता है थोड़ा विश्राम करने, कोई हर्जा नहीं है। आपका दिल करता है कि मैं मुरली के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर दिनचर्या हमारी वैसी है उस हिसाब से, अगर दिनचर्या आलस के प्रमाण ना करें, लेकिन अगर ऐसी कोई वर्क है फिजिकल बॉडी डिमांड कर रही है तो करें, अदरवाइज नॉट ड्यू टू लेजीनेस, ये चीज़ है। एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारे सुख और दुख का कारण हम स्वयं, हमारे स्वयं के कर्म हैं, तो बाबा फिर रचयिता किस रूप में है ड्रामा के? क्योंकि बाबा को रचयिता कहा जाता है, और सारी जो हमारी जिम्मेवारी है सुख दुख का कारण हम हमारे वजह से हमने जो कर्म किए हमें मिल रहा है, तो बाबा ने क्या रचा? केवल एक्टर हैं वो, क्रिएटर कैसे? और अपने एक्टर हैं आप। बाबा रचयिता है सारे विश्व का, सारे उसका रचयिता है, वो केवल आपके लिए थोड़ी क्रिएटर है, सारी दुनिया के लोग इतनी सारे हैं आत्मा उन सबका है। देखिए रचयिता से ये भावार्थ नहीं है कि शिव बाबा ने बैठ करके हर एक को पाठ दिया, ये दिया, ये भाव नहीं है। रचयिता वो इस हिसाब से कि वो इस सृष्टि का बीज रूप है, और बीज रूप जो है उसके अंदर सारी सृष्टि की नॉलेज है, उस भाव से वो रचयिता है। दूसरा, वो नई सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं, उसको रेजुविनेट करता है, इसलिए वो रचयिता कहलाता है। बाकी बैठ करके वो रचना करे ऐसे वो नहीं करता, वो नियम भी नहीं है, क्योंकि भौतिक चीज़ तो नहीं है जिसको जोड़ जाड़ के बना दिया जाए। नहीं, सवाल उठेगा फिर वो किसने बनाया, फिर वो किसने, इट इज़ नेवर एंडिंग क्वेश्चन। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आकर के सृजन का कार्य करता हूँ, रचना का कार्य करता हूँ, ज्ञान योग दे करके तुम्हें पथ बताता हूँ,
रास्ते दिखाता हूँ, उस हिसाब से मैं रचयिता हूँ, बाकी अदरवाइज नहीं। दीदी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस और कुछ डिस्कशंस होते हैं जैसे ब्राह्मणों में भी, कि बाबा कहता है कि मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, लेकिन विवेक ये कहता है कि बाबा शक्तिशाली है और अपने को छुड़ाने के लिए, कि बच्चे ऐसे हैं कि वो कहेंगे कि बाबा अभी ये करो, तो बाबा कह देता है मैं तो बंधन में बंधा हुआ हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ड्रामा चेंज भी कर सकता है। तभी तो कहा कि आप चिंता नहीं करो, मैं लड़ी लगा दूंगा, आप मेहनत करो। तो ऐसा फीलिंग आती है कि कुछ पावर भी है, बट देन ही सेज कि मैं बंधा हुआ हूँ। बाबा ड्रामा के बंधन में बंधा है वो क्यों कहते हैं? कि बाबा समय अनुसार आते हैं, जो उनका प्रथम अवतरण है वो हमारी पुकार से नहीं है, हमारी भक्ति से नहीं है, परंतु इस सृष्टि पर उनका आना तब होता है जब उनको आना है, एक्यूरेट टाइम। मैं ड्रामा अनुसार आता हूँ, तुम्हारी पुकार से नहीं आता, इस हिसाब से बाबा कहता है कि मैं ड्रामा के बंधन में हूँ। बाकी बाबा को तो कोई बांध नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, ये केवल इस हिसाब से बाबा ने कहा है। कुछ समय पहले एक स्लोगन में आया था कि वॉइसलेस स्थिति जो है हमारी, वो वॉइसलेस वायरलेस स्थिति जो बाबा ने कहा, वायरलेस है अशरीरी अवस्था। तो इसको एक्सप्लेन की वॉइसलेस वास्तव में क्या होगा, जिसमें कोई विकार ना हो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि वो वायरलेस अवस्था, वायरलेस स्टेज हमारी, जब अशरीरी अवस्था हमारी है वायरलेस सेट, वायरलेस सेट सॉरी अशरीर, तो जितना मैं वॉइसलेस होंगी, आप देखिए वायरलेस सेट कब काम करता है, जब क्लियर, अगर बीच में कुछ भी बीच में आया तो बाबा ने कहा रेडियो में बीच में तोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, तो अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं तो आपको वायरलेस सेट ठीक काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा वायरलेस सेट अर्थात तुम्हारी स्थिति बहुत क्लियर अच्छी होनी चाहिए, अशरीरी अवस्था, और वॉइसलेस यानी टोटल निर्विकारी, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल क्लियर, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई भी किसी प्रकार का बीच में बाधा नहीं है, एकदम क्लियर, उसको कहते हैं। ये संस्कारों को लेकर एक क्वेश्चन है कि बाबा कहते हैं योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, तो क्या खाद का अर्थ है देह के संस्कार, यानी सतोगुण संस्कारों के अलावा सब संस्कार खाद है, तो फिर क्या आत्मा से वो संस्कार पूर्ण रीति से ख़त्म कर निकल जा सकते हैं? क्योंकि हमने कभी सुना था कि कोई भी संस्कार निकलते नहीं हैं, बस जो प्रयोग में लाते हैं वो नेचुरल बन जाते हैं, निकलते नहीं। मतलब जैसे कई बार ये भी कहा जाता है, इसका भी आपने बोला है कि खाद, एक तो दो क्वेश्चन हुए, खाद इज मिक्सचर, दैट मींस देह के जो भी संस्कार अलॉयस, अलॉय, जैसे सतो प्रधान स्थिति में रजो स्थिति के अगर बीच में है तो अलॉय, उस अलॉय को आप निकालेंगे तो प्योर सतो प्रधानता मिलेगी आप। अब जो सतो प्रधान संस्कार हैं उसमें जो खाद है उसको तो निकालनी पड़ेगी ना आपको, वो निकलती है योग से। क्यों योग कहते हैं? सच्चाई है कि आप उनको यूज नहीं करेंगे, पुराने संस्कार, खराब संस्कार, उनको आप प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, यही है ना। फिर योग क्यों कहा? योग से शक्ति मिलती है ताकि वो यूज में आए ही नहीं, योग से वो लेजर का पर्दा बन जाता है, शक्ति का पर्दा बन जाता है, जो वो संस्कार कभी प्रैक्टिकल में आएगा नहीं, इसलिए कहते हैं योग से संस्कार भस्म होता है। इसका मतलब वो संस्कार है, आप जब सतो प्रधान बन जाते हैं, टोटल क्लीनलीनेस हो जाती है, तो वो खत्म हो जाता है ना, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है ना।
सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ दोनों चीज़ें कि जो हम प्रोसेस में हैं क्लेंजिंग के, तो योग से शक्ति है कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो इमर्ज ना हो, इमर्ज नहीं होते, और ये एक चीज़ है। योग बहुत सारे काम करता है ना फॉर दिस, मतलब संस्कारों के लिए, और जब हम उनको इमर्ज, वो तो इमर्ज नहीं हो रहे, और हमारे सत्वगुणी जो संस्कार है वो इमर्ज हो रहे हैं, तो जब हमारी जो कर्मातीत या जो हमारी वट एवर हमारे लेवल की, हर एक आत्मा का अपना लेवल है, उस लेवल पर जब वो पहुंचेगी तो उसके ये जितने खाद है वो समाप्त हो गई होगी और सिर्फ सत्वगुणी संस्कार बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिसकी नहीं होगी तो वो फिर सूक्ष्म वतन में होगी। हाँ ऐसा होगा बिल्कुल। यानी अगर हम इसे फिर फाइनली अगर अंडरस्टैंड करें कि या तो हम योग से इतना हम शक्तिशाली बनते हैं कि पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो रहे, सतोगुणी जो हमें यूज करने हैं वो यूज कर रहे हैं, एंड योग से ही हमने उनको मर्ज खत्म कर दिया, नॉट मर्ज यानी फिनिश कर दिया, और जो बच जाते हैं जैसे अभी भी जो निकलते हैं, और अगर ख़त्म नहीं कर पाए तो फिर जो बाबा कहता है मानी और भगवान वो जो मिलता है बाद में जो बच जाता है ना, नॉट माली एंड भगवान, बट वो जो बाबा से ना रोटी टुककर मानी और मानी सजा भी मिलती सजा है। भी मिलती है क्योंकि खाद बच गई और फिर वो पद कम हो जाता है। तो ये आप बता रहे हैं यानी हमारे सारे संस्कार पुराने खत्म हो जाते हैं चाहे हम योग से करें या फिर भोगना से करें, तो बेटर है कि हम योग से करें। ये बात इन्हें क्लियर हो गई होगी। और एक और प्रश्न है जो सूक्ष्म वतन को लेकर है कि सूक्ष्म वतन, इनको शायद क्लियर नहीं है, शायद इन्होंने, आप नए होंगे ज्ञान में, तो वो कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में जो जाते हैं, क्योंकि अभी ये बात आई कि जो आत्माएं थोड़ा बहुत बच जाएगा तो फिर उस हिसाब से प्योर होके जाएंगे, तो जो आत्माएं जाती हैं सूक्ष्म वाया सूक्ष्म वतन बाबा बोलता है, तो आती हैं तो कैसे आती हैं, कहीं ये मर्ज होती हैं आत्मा, कहीं मर्ज होती हैं, काफ़ी थोड़ा इनको कन्फ्यूजन है। तब आत्माएं परम धाम में रहती हैं, जिस समय जिस आत्मा का इस सृष्टि पर पाठ होता है तो आत्मा आती है। तो सूक्ष्म वतन जो है ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, है सूक्ष्म वतन रहता है, परंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे अभी हम जाते हैं तो सूक्ष्म वतन का उपयोग है, जब हम आते हैं तो सूक्ष्म वतन कोई उपयोग, जैसे आप राजधानी ट्रेन से जाते हैं तो राजधानी ट्रेन क्या करती है, कई स्टेशन क्रॉस कर देती है, रुकती नहीं छोटे जगह पे, छोटे जगह, ऐसे ही जरूरत नहीं है इसलिए रुकती नहीं है कोई आत्मा वहाँ, सीधी आ जाती है, और अदरवाइज जो है वो फिर वापस जब जाते हैं तो हिसाब किताब देना है, तब अपने घर जा सकते हैं, तो वहाँ फिर रुकना पड़ता है। तो जो बाबा कहते हैं कि ये संगम पर ही क्रिएट किया है, इसका मतलब ये कि संगम पे जो यूज है वो यूज ओपन होता है, उसके दरवाजे गए या स्टेशन ओपन हुआ हमारा हॉल्ट करने के लिए। सो आपने बहुत हमें अच्छे से ये बात समझाई और क्लैरिटी दी, और हम आशा करते हैं कि ये सारी बातें हम इसको और स्पष्टता किसी ज्ञान के पॉइंट की चाहिए तो हम ले सकते हैं, और जैसे आपने जो अभी वर्तमान स्थिति के लिए बताया हम उसको रिआइटरेट करते हैं कि हमें निमित्त समझ के, मोहवश नहीं, हर एक को बाबा का बच्चा समझ के सेवा भी करनी है, और अपने जो जो दीदी आपने जो बात बताई कि हम चर्चा ना करें, जो भी हम न्यूज़ सुन रहे हैं यथा स्थान पर बताएं, लेकिन उसकी टू मच चर्चा करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, और जो कमज़ोर आत्मा है फिर वो सेवा नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपने माइंड को बहुत क्लीन और क्लियर रखना है, जिससे हम दूसरों की भी सेवा कर पाएँ और बाबा को भी याद कर अपने अंदर और दूसरों में बल भर पाए। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।